नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपके लिए लेकर आया हूँ एक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ, जिस कहानी का शीर्षक है क्या कहेंगे लोग। एक बार की बात है, एक बाप बेटे घोड़े की सहायता से कहीं जा रहे थे। बाप ने बेटे को घोड़े पर बैठा रखा था और खुद पैदल चल रहा था। यह देखकर लोगों ने कहा, कैसा बेटा है जो अपने बाप को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पे बैठा है। कुछ लोगों की बात सुनकर बेटे नीचे उतर गया और अपने पिता को घोड़े पे बैठा दिया और आगे की तरह चल पड़ा। कुछ ही दूर चलने पर वापस लोगों ने उन्हें देखा तो बोला, यार कैसा बाप है जो अपने बेटे को पैदल चलवा रहा है और खुद घोड़े पे बैठा है। यह बात सुनकर पिता भी घोड़े से उतर गया और दोनों बाप बेटे पैदल ही चलने लगे। कुछ दूर चलने पर फिर लोग मिले तो बोले, कैसा मूर्ख लोग है यार जो साथ में घोड़ा होते हुए भी पैदल चल रहा है। यह बात सुनकर बाप बेटे का दिमाग खराब हो गया। अब दोनों घोड़े के ऊपर बैठ गए और वहां से आगे की ओर निकल पड़े। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर कुछ लोग मिले जो फिर कहने लगे, यार कैसे निर्दयी इंसान है, दोनों घोड़े पे बैठे हुए हैं और कमज़ोर घोड़े की जान निकली जा रही है, इसके पास कुछ भी दया नाम का चीज़ नहीं है। अब पिता को तो एक बात समझ में आ गई, लोगों की बातों के चक्कर में यदि हम रहे तो हम अपनी मंजिल पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि आप कोई भी काम करें उसमें लोग आपकी आलोचना करना बंद नहीं करेंगे। इससे अच्छा यही है कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसे लगन से करें और अपनी मुकाम और मंजिल को पाएं।